वेलकम बैक। बॉलीवुड स्टार्स की टिशम डिशम जब बड़े पर्दे से निकलकर उनकी जिंदगी की सच्चाई बन जाती है तो क्या ये उनकी ब्रांड वैल्यू पर भी असर करती है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं परसेप्ट से शैलेंद्र सिंह। वेलकम टू द शो शैलेंद्र। थैंक यू, ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। सबसे पहले बात करते हैं जो रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है, द शाहरुख खान एंड द वानखेड़े स्टेडियम। वी नो व्हाट हैपेंड देयर, बट ऑडियंस की परसेप्शन अगर हम देखें तो शाहरुख हमेशा हमारे लिए एक स्वीट राज रोमांटिक इमेज लेकर घूमते थे, लव अ बॉय। दैट चेंज्ड नाउ ओवर द इयर्स टू एंग्री यंग मैन। बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। एक अग्रेसिव यंग मैन की भी पोजीशन जो मिसिंग थी शाहरुख की जिंदगी में, क्योंकि उनकी जिंदगी में ना कंट्रोवर्सी ना कुछ ना अफेयर्स। वो भी एक जो छोटा सा अफेयर अभी नजर आया प्रियंका चोपड़ा का, वो भी एक ऐसे ही था। तो आई थिंक ये एक एडेड पर्सनैलिटी आती है शाहरुख की करियर में इस उम्र पे, 45-46 की उम्र में एक डायमेंशन आता है कि ही इज ऑल्सो गॉट अग्रेशन दैट कुड वर्क फॉर हिज फैंस। बट हैविंग सेड दैट, एज फार एज द ब्रांड्स आर कंसर्न, मल्टीनेशनल ब्रांड्स जो होते हैं वो इस किस्म की पर्सनैलिटी से थोड़ा सा डर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बड़े ब्रांड हैं, जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, वो जरूर इस किस्म के बिहेवियर पे सवाल जवाब उठाएंगे। शैलेंद्र, आप स्टार्स को मैनेज करते हैं, उनके ब्रांड्स देखते हैं, तो आपको नहीं लगता विद इंडिया, ऑल्दो इट्स अ यंग नेशन, इट्स ऑल्सो फैमिली वैल्यूज आर समथिंग दैट वी इम्बाइब बाय। सो अगर ऐसे नेशन में आप वायलेंस का तड़का डालेंगे तो स्टार्स की हाथापाई और उनके ब्रांड वैल्यू में असर तो आएगा ही ना? जरूर आना चाहिए, लेकिन बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आप बॉलीवुड का ही सिनारियो लें, बॉलीवुड में अगर आप मेल कैटेगरी में जाएं तो आपके पास 3 या 4 गिने चुने आर्टिस्ट हैं जो एंडोर्समेंट्स ला सकते हैं और जो कॉन्स्टेंटली एक मतलब सालों साल से ब्रांड्स को एक वैल्यू दे रहे हैं, ROI दे रहे हैं। उसमें आपके कुछ ही नाम हैं, अगर आप देखें तो अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सैफ अली खान, यही नाम है, गिने चुने नाम हैं जो ए लिस्टर्स हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस किस्म के माहौल में एक अगर एक सुपरस्टार शाहरुख खान जैसा अग्रेसिव होता है तो एक दो हादसों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मगर जैसे मैंने कहा कि मल्टीनेशनल ब्रांड्स, ब्रांड्स आर अपीलिंग टू फैमिली चिल्ड्रन, दे विल सर्टनली गेट वेरी एंड शेकी, दे विल से यू नो व्हाट इज रियली हैपनिंग टू शाहरुख। ऑल्सो इट इज़ ऑल ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शाहरुख ने जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होना पड़ा एज अ फादर। नाउ दैट इज़ गुड। And this, that is back to the family angle. Exactly, it works in the family angle. So I think, you know, Mr. Khan has done a tremendously good job. While if you look at Saif Ali Khan's episode, in honest opinion, he looked vulnerable. He looked like he got exposed. He was in the wrong spot. And also the way he spoke at the press conference, etc., it was practically a confession of something that he did inappropriate and he couldn't really defend himself. So I think it depends a lot on what you do even after the incident, which matters a lot for the brand. If you remember, there was an incident of Malaika and Arbaaz, yes, you know, having something to do which was dodgy, but ultimately it was a promotional campaign for a brand. I think terrible taste. But wo companies jo stars ko sign karti hai, aapko lagta hai unko farak padta hai when they take this kind of a negative image on? They're scared of it. Most of the contracts have a non-performance clause or a behavior clause. It actually exists. Okay. To agar koi cricketer cricket khelna chhod deta hai, to obviously that relationship breaks. And similarly, in the entertainment space, there is an image clause. I mean, you know, so kyunki jab wo rishta brand ke saath judta hai, to wo ek image ke saath judta hai. Aur kal wo image agar kharab ho jati hai, badal jati hai, videsh mein to इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि इफ अ ब्रांड एसोसिएट्स विद अ यंग एक्ट्रेस, देयर इज अ प्रेगनेंसी क्लॉज दैट शी कैन नॉट बिकम प्रेग्नेंट टिल अ सर्टेन एज, बिकॉज यू नो कॉस्मेटिक ब्रांड्स वांट हर टू बी नॉन मैरिड और नॉन प्रेग्नेंट। सो दीज आर इश्यूज आर ऑफ सीरियस कंसर्न, बिकॉज ब्रांड्स एक्चुअली इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। सेलिब्रिटी सोचते हैं कि उनको 5 करोड़ रुपए मिल गए तो खत्म हो गया गेम, खत्म नहीं हुआ। जो ब्रांड अगर आपके ऊपर 5 करोड़ रुपए लगाता है तो वो बाकी 50 करोड़ लगाता है उस चीज को, उसका ढिंडोरा पीटने के लिए। Client can actually file on the star. Now, hang on, you know, I associated with you in good faith to believe that you're a well-conducted, well-behaved, good-performing actor. So, as a star, before I make that punch, I need to be aware of all of this. Yeah. चलिए हमने आपकी सुनी. Let's see what the stars have to say about this issue. अगर आप एक celebrity हैं, पर अगर आप अपनी पूरी जिंदगी public के सामने जीते हैं, तो बहुत सारे pressures होते हैं. अगर आप जानते हैं कि एक ऐसा situation है, you also have to work hard to control that and to try and not do that. I don't think ki brand pe asar hota hai, bilkul nahi, kyunki public memory is very short. It is part of the celebrity brand, or Shahrukh Khan is too big, nothing can affect him. Bit bold. Yes, well, do you feel ki agar hum brawl se aage thoda sa hate,
जनरल पर्सनल लाइफ से भी जो हमें इनपुट मिलता है स्टार्स की लाइफ से, whether they're link-ups or break-ups, वो सब भी इफेक्ट करते हैं एक स्टार की ब्रांड वैल्यू को. There are brands who think it through. There are brands like Procter & Gamble, Levers, Tata's. These are not brands. Or say Hero Motor Group, you know, these are not the brands that will associate themselves with celebrities that are inconsistent. With trouble, basically. With trouble, they will not do it. So they are very steady, heady brands. So you will lose such stable, strong brands. But then you know what, controversy works. So there are enough brands out there who don't mind as long as you're still in the news and you're still an A-lister. Well, thank you so much for all the opinions you got on board. Always a pleasure to have you. Thank you. Thanks.